हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मेरा यहाँ पर मॉर्निंग का जो टाइम है वहाँ पर मैं जा रही हूँ बैगन का भरता बनाने। और दिन है वेडनेसडे, तो वेडनेसडे का दिन है और मैं यहाँ पर जा रही हूँ गोल गोल बैगनों का भरता बनाने। तो भरता बनाने के लिए मैं पहले क्या करूँगी, जो मेरे बैगन हैं उनको मैंने ऑयल करके रख लिया है, ऑयल करके। और ये जो जाली देख रहे हो आप गैस के ऊपर, तो इस जाली को मैं इसी जाली के ऊपर बैगनों को रखूँगी, क्योंकि गैस के ऊपर रखने से प्रॉपर क्या होता है ना कि जो है गैस हमारी ख़राब हो जाती है, पानी जो गिरता है उसकी वजह से जो गैस बर्नर होता है वो ख़राब हो जाता है। तो मैं यहाँ पर जो है ऑयल वगैरह कर चुकी हूँ और यहाँ पर मैंने लहसुन भी छील लिया है और बस इनमें चाकू से होल कर करके और इसमें फिर जो है मैं लहसुन अंदर की ओर अंदर डाल दूँगी, जिससे कि जो है जब ये बैगन का भरता भुने तो साथ में ही लहसुन भी भुन जाए। तो बस मैंने यहाँ पर बैगन को होल करके और यहाँ पर लहसुन भी डाल दिया है और इसको मैंने भुनने के लिए रख भी दिया है। तो बस ये मॉर्निंग का टाइम था, हस्बैंड के ऑफिस जाने का टाइम था, तो वो कह रहे थे कि थोड़ा सा जल्दी कर दो क्योंकि मुझे थोड़ा सा जल्दी पहुंचना है। तो मैंने कहा बस बैगन का भरता है, थोड़ा तो भुनने में ही टाइम लगेगा, बाकी बनने में टाइम नहीं लगेगा। तो बस यहाँ पर बैगन वगैरह मैं भुनने के लिए मैं रख चुकी हूँ और जो एक बचा है, जब तक ये दो हो रहे हैं तो एक जो बचा है उसमें भी मैं होल करके लहसुन वगैरह लगा दूँगी और वो भी जब अच्छे से होल हो करके वो लहसुन अंदर चला जाएगा तो मैं उसको भी भूनने के लिए रख दूँगी। तो इस तरीके से क्या होगा ना, मेरे तीनों जो बैगन हैं वो एक साथ ही भुन जाएंगे। और बस जब तक कि यहाँ पर मेरा बैगन भुन रहा है, मैं टमाटर, प्याज और मिर्चा जो भी चीज़ें हैं वो कट कर लूँगी। और यहाँ पर देखिए मेरा बैगन भुन के भरता बन के तैयार हो गया है। एक जो क्लिप थी बैगन भुनने वाली वो मिस इसलिए हो गई क्योंकि जो मेरा मोबाइल है थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है और वो स्विच ऑफ हो गया था, तो इस वजह से वो क्लिप मिस हो गई और देर हो रही थी तो इस वजह से वो क्लिप नहीं बन पाई। तो प्लीज़ सो सॉरी, तो वो क्लिप मैं नहीं बना पाई। तो बस यहाँ पर जो है मेरा जो किचन का काम था वो सारा कुछ हो चुका था, हस्बैंड भी ऑफिस चले गए थे और काफ़ी देर भी हो गई थी क्योंकि जो है थोड़ा सा और सब काम निपटाते तो काफ़ी ज़्यादा देर हो गई थी। तो बस मैंने यहाँ पर मैंने सोचा कि आज थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह कर ली जाए, तो बस मैं यहाँ पर रूम में आ गई थी डस्टिंग करने के लिए। एक्चुअली ज़्यादा जो है जब 2-4-6 दिन भी डस्टिंग नहीं होती है तो क्या नाम है, इतनी ज़्यादा धूल बैठ जाती है, ऐसा लगता है कि महीनों से सफाई ना की गई हो। तो बस इसी वजह से यहाँ पे थोड़ा जल्दी जल्दी साफ़ करना पड़ता है क्योंकि कहने को तो रूम अंदर को ही है लेकिन जो है रोज़ की रोज़ धूल बैठती है, तो डस्टिंग वगैरह भी रोज़ प्रॉपर करना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। तो बस मैं यहाँ पर डस्टिंग वगैरह कर रही थी और जो मेरे रूटीन वर्क के काम होते हैं मॉर्निंग के टाइम में वो सारे निपटाए। और अभी जो मेरे थोड़े कपड़े थे वो मैंने मशीन में डाल दिए थे जो है, तो मेरे कपड़े भी एक तरफ लगे हुए थे, वो मशीन में चल रहे थे क्योंकि मशीन का जो मेरा कपड़े धोने वाला वॉश वाला टब है वो तो ठीक है, लेकिन जो ड्रेन वाला टब होता है जिसमें कि कपड़े धुल के सूखते हैं तो वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, तो फिर वो कपड़े मुझे हाथ से ही करने पड़ते हैं। तो मैंने सोचा जब तक कपड़े उधर वॉश हो रहे हैं तब तक मैं इधर अपना जो है जो भी मेरा डस्टिंग का काम है वो निपटा लूँ, तो जो है डस्टिंग वाला, इसीलिए मैंने सोचा डस्टिंग वाला काम कर लूँ। तो आप लोगों ने मेरा ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो देखा और कैसा लगा तो ये मुझे ज़रूर बताइएगा। तो बस यहाँ पर मेरा डस्टिंग वगैरह भी काम हो रहा है और बेटी से मैंने बोला है कि उसकी जो भी पॉलीथीन की जो भी गर्दा धूल गर्दा है वो तुम बाहर झाड़ दो। तो बस यहाँ पर ये सब करने के बाद उसके बाद मैं फिर जो है ये सब पूरा सामान अच्छे से जमा दूँगी, लगा दूँगी, जिससे कि जो भी सामान मैंने उतारा था, थोड़ा सा जगह वगैरह चेंज कर दी है इधर का उधर और इधर का इधर कर दिया है। तो अभी जो इस पर मैंने ये जो कवर बिछा रखा है मैं अभी नहीं चेंज कर रही हूँ क्योंकि अभी मेरा ये कवर जो है वो एकदम सही है, कहीं से भी फटा नहीं है और बस इसको अच्छे से पोंछ दो तो ये फिर वैसे ही का वैसे नया लगने लगता है। तो इस वजह से मैंने अभी इसका कवर नहीं हटाया है। तो जब अगर ये फट जाएगा, अब जब दोबारा मैं साफ़ करूँगी, अगर लगेगा कि चेंज करने वाला है तो मैं ज़रूर चेंज कर दूँगी। तो कवर मैंने पहले से ही लेकर के रखा हुआ है तो इस वजह से
मैं भी नहीं चेंज कर रही हूँ, और ऑलरेडी मेरे पास कवर है भी रखा, तो जब भी मुझे लगेगा मैं फटाफट से चेंज कर दूँगी। तो बस यहाँ पर यही सब काम चल रहा है, और जो है जो भी चीज़ें हैं वो मैं अच्छे से उसको अरेंज वगैरह कर दूँगी। और बेटी थी वो एक्स्ट्रा सामान दे रही है, ये भी लगा था मैंने कहीं फालतू के सामान नहीं लगाऊँगी इसको फेंको उठा करके, जो है होता है ना बच्चों के कबाड़ वाला सामान होता है, ये भी रख लो वो भी रख लो, बड़ी मज़ा आती है बच्चों को। तो बस यही सब थोड़ा बहुत था। और ये जो जैन पोर्ट्रेट था ये मैंने खुद बनाया था, लेकिन एक्चुअली हुआ क्या कि इसको मैंने इसलिए सामने नहीं दिखाया क्योंकि जो मेरी छोटी वाली बेटी है उसने थोड़ा सा इसको गड़बड़ कर दिया है, लेकिन बट मैंने फ़र्स्ट टाइम ही बनाया था, काफ़ी अच्छा बना था। तो हस्बैंड ने भी कहा कि नहीं इसको हटाओ नहीं, अच्छा लग रहा है, हल्का सा ख़राब हो गया है तो कोई बात नहीं। इसने क्या किया था ना, थोड़ा सा इसके ऊपर जो है कलर पेंसिल चला दी थी, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तो इस वजह से मैंने कुछ नहीं दिखाया। तो बस यहाँ पर मेरी डस्टिंग वगैरह हो चुकी थी, तो मैंने सोचा कि अब बेडशीट वगैरह भी चेंज कर ली जाए। और प्लीज़ आप लोग मेरे रूम को देखकर थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, क्योंकि ये जो भी रूम आपको दिख रहा है, ये जो मेरी बड़ी वाली बेटी है जब छोटी थी तो जो है ये दीवारें खोद के खा जाती थी, मतलब अगर ये कहीं भी अकेली है तो समझ जाइए कि ये दीवार ही खोद रही है। तो बस ये सारा जो दिख रहा है आपको ये उसी करामात है, और थोड़ी बहुत सीलन भी है, अब ऐसा कुछ नहीं करती है, जब छोटी थी तब ये करती थी तो, और थोड़ी बहुत सीलन भी है तो सीलन की वजह से भी थोड़ी गड़बड़ हो गई है, तो बस इस वजह से है। तो सही कराना है, देखती हूँ कब तक सही हो पाता है। तो बस यहाँ पर जो है बेडशीट वगैरह भी चेंज कर लूँगी, और इसने गद्दे के ऊपर पानी भी गिरा दिया है छोटी वाली ने। तो इस तरीके से बच्चे पूरे दिन शरारत करते रहते हैं, सतानी करते रहते हैं। और बेडशीट तो मेरी जो है हफ्ते में पता नहीं रोज़ में बदल, मेरा बस चले तो मैं रोज़ ही बदलूँ, लेकिन मैं भी एक दिन छोड़कर ही बदलती हूँ, और नहीं तो कभी कभी ये भी होता है कि मुझे रोज़ की रोज़ भी बदलनी पड़ जाती है, क्योंकि जो है अगर गंदी हो गई या पानी गिर गया, या खाना भी हम लोग इसी के ऊपर बैठ के खाते हैं, तो अगर गिर विर गया तो भी जो है मुझे चेंज करना पड़ता है, क्योंकि मेरे पास कहीं और जगह नहीं है जहाँ पर, जैसे कि ज़मीन वगैरह नहीं है या कुछ इस टाइप की चीज़ नहीं है कि मैं वहाँ पर बैठ के खा पाऊँ। तो मेरे पास बस जो जगह है वो इतनी ही है, इसी में ही पूरा सब कुछ मुझे एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो बस यहाँ पर मेरी बेडशीट वगैरह भी भिज गई थी, तो मैंने सोचा कि अब यहाँ पर झाड़ू वगैरह भी लगा दूँ और बेड को भी अच्छे से मैनेज कर दूँ, तो बस सब कुछ हो जाएगा फिर मैं। तो यहाँ पर मेरी झाड़ू लग करके, और ये बेड भी देखिए मेरा एकदम रेडी हो गया था। अब मुझे यहाँ पर जो मैंने भगवान जी के कपड़े उतारे थे, मुझे यहाँ पर वॉश करने थे, जो मैंने चेंज कराए थे आपने उस वाले वीडियो में डाला था, नेक्स्ट वीडियो में, तो उसके पहले वाले वीडियो में मैंने डाला भी था जो मैंने अपने कपड़े भगवान जी को पहनाए थे नए कपड़ों को। तो बस यहाँ पर मैं वही कर रही थी, और ये सारे कपड़े जो है इसमें मैंने डाला है विनेगर और बेकिंग सॉरी सोडा डाला है खाने वाला, और सर्फ डाल करके सारे कपड़ों को 10 मिनट के लिए भिगो दूँगी, और बस यहाँ पर कपड़े मेरे भीग जाएंगे, तो बस मैंने वॉश करके फहरा दूँगी। एक्चुअली इसके आगे की क्लिप इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि अभी मैंने बताया कि मेरा मोबाइल हो गया है थोड़ा सा ख़राब, जिसकी वजह से बार बार ऑफ हो जाता है और फिर वो जल्दी ऑन नहीं होता है, तो फिर मैंने इतनी ही क्लिप्स बनाई है, इतना ही वीडियो बनाया है, तो उसके लिए सो सॉरी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। ओके बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।